मदद का आश्वासन दिया है। वंदना पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं और उसके पिता बागवानी विभाग में माली के पद पर तैनात हैं। मेरी बहन जी ब्लड कैंसर रोग से पीड़ित है और उसका इलाज चल रहा था VIGMC से। तो वहाँ पर इन्होंने बोला कि जब हमारी ट्रीटमेंट अब पूरी हो गई है, जो भी हम कर सकते थे हमने किया, अब भी आप इसको नीचे ले जाओ PGI। और जब PGI गए तो उन्होंने उधर एस्टिमेट बताया कि करीब करीब 35 लाख रुपए लगेगा भाई, पहले 35 लाख रुपए जमा करवाओ, उसके बाद फिर इलाज करेंगे भाई आपका। जितना था पहले उससे काफ़ी हद तक बढ़ गया है भाई, अब हमारे हाथ में नहीं है भाई। अब आप नीचे जाओ भाई PGI, वहाँ पे होगी भी सारी ट्रीटमेंट। हाँ जी, तो अभी बहन की तबीयत कैसी है आपकी? बहन की तबीयत ठीक नहीं रहती है जी, अभी वो भी CM साहब के पास। हाँ जी, हाँ जी, मुलाकात हुई है। हाँ जी, हुई जी मुलाकात हुई। और ये बिटिया पुलिस की भर्ती की तैयारियां कर रही थी, तो शुरू में इसको लगा कि शायद इसकी प्रैक्टिस से इसके शरीर में टूटन और शरीर में दर्द आ रहा है, लेकिन बाद में जब टेस्टिंग और उससे दौर से गुजरी तो ये ब्लड कैंसर की पेशेंट है और वो भी एक्यूट स्टेज में है। तो 35 लाख रुपए के आसपास का खर्चा इसका बताया गया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है तो उन्होंने इस पर पूरा, ये पेपर भी मेरे हाथ में है, तो कहा है कि फेज्ड मैनर पे जैसे जैसे इसका इलाज आगे बढ़ेगा सरकार इस पर पूरी मदद देंगी। माननीय मुख्यमंत्री इज़ काइंड इनफ कि उन्होंने इस बेटी की हालत को देखा और दर्दनाक है, दुखद है। भरोसा नहीं, मैंने इसके